पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबक कैप्टन और दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शाहिद अफरीदी जिन्होंने क्रिकेट की तारीख के अंदर बेशुमार रिकॉर्ड कायम किए थे, वहां पर शाहिद अफरीदी ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कुमी टीम के साबक कैप्टन और मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 38 साल शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोमिला विक्टोरियंस की नुमाइंदगी करते हुए सेलेट सिक्सर्स के खिलाफ यह संगमील अबूर किया। शाहिद अफरीदी अब तक 283 T20 मैचेस में 32 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, जो T20 फॉर्मेट के दिगर ऑलराउंडर से ज्यादा है। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर साबक वेस्टइंडीज ऑलराउंडर डेविन ब्रावो का है, जिन्होंने 421 मैचेस में 30 मरतबा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। एक और वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर केरन पोलार्ड अब तक 435 मैच में 27 वर्ष के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। साबक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वाटसन अब तक 289 मैचेस में 28 मरतबा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। बांग्लादेश के शकीबुल हसन 281 मैचेस में 22 मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और साबक पाकिस्तानी T20 कैप्टन मोहम्मद हफीज 253 मैचेस में 21 मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर आंद्रे रसल अब तक 269 मैचेस में 21 मरतबा मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल कर चुके हैं। याद रहे कि शाहिद अफरीदी ने अब तक 284 T20 मैचेस में 18.81 की एवरेज से 4000 प्लस रन कर चुके हैं, जिनमें एक सेंचुरी और 9 डिसो सेंचुरियां शामिल हैं। मायानाज ऑलराउंडर अब तक 22 की एवरेज से 308 विकेट्स भी अपने नाम कर चुके हैं। शाहिद अफरीदी वेस्ट इंडियन के डेविन ब्रावो और बांग्लादेश के शकीबुल हसन के बाद 4000 T20 रन और 300 विकेट मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।